नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हम अपने चैनल क्लासी लुक पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल के साथ। तो हमारी ब्राइडल आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उनका आई मेकअप आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। अगर आपको उनकी आई मेकअप पसंद आ रही है, आई मेकअप सीखना है, तो इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से ये आई मेकअप हुआ है, बहुत ही ईजी है। तो आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले तो मेकअप बेस तैयार कर लिया। मेकअप बेस तैयार करने के बाद आई मेकअप का बेस तैयार कर रहे हैं, और वहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा कम्पैक्ट से उसे सेट कर रहे हैं, और आईब्रो के जस्ट ऊपर थोड़ा सा हाई कैवरेज कम्पैक्ट को अप्लाई करेंगे, और उसके बाद से जेल बेस आईब्रो कलर से आईब्रो को फिल करना है। तो हमेशा जेल बेस का ही यूज़ करें, ये नेचुरल लुक देता है। और उसके बाद से सेट करने के बाद हम लोग आ चुके हैं कट क्रीज क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कट क्रीज कर रहे हैं डार्क ब्लू कलर से। ब्लू कलर को कॉर्नर में थोड़ा सा लेके और फिर खाली ब्रश को पूरा आईलिड पे ब्लेंड करना है, और कट क्रीज के शेप को क्रिएट करना है। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो दोनों साइड का हमारा शेप क्रिएट हो चुका है, और उसके बाद से उसे खाली ब्रश से उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही खूबसूरत आई का लुक आएगा। तो फिर हमें लेना है थोड़ा सा डार्क कलर, ब्लैक कलर का शेड दीजिए, या फिर एकदम डार्क ब्लू लेना है कॉर्नर पे, और इन कॉर्नर में आपको लगाना है गोल्डन कलर। हम लोग लगा रहे हैं गोल्डन कलर। यहाँ पर आप अपने पसंद के अनुसार कलर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा हाफ वाइट कर सकते हैं, या फिर हल्का गोल्डन कर सकते हैं, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको आईब्रो के जस्ट नीचे हल्का सा हाइलाइटर अप्लाई करना है। हाइलाइटर के बाद खाली ब्रश यहाँ पे मूव करना है कट क्रीज के बीच में लाइन पे, आपको कट क्रीज पे खाली ब्रश मूव करना है, जिससे रेड कलर अप्लाई करते हैं। राउंड ब्रश, थोड़ा सा फ्लफी होना चाहिए ब्रश, और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, मूव करना है, तो हल्का सा शेड आ जाएगा आपके पिंक कलर का। तो यहाँ पे कई तरह के शेड आ जाएंगे, वाइट के टच में आके पिंक आ जाएगा, ब्लू के टच में आके मैरून आ जाएगा, और येलो के टच में आके थोड़ा सा ऑरेंजिस शेड आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत सावधानी से करना है, खाली ब्रश को मूव करना है, और फिर बिल्कुल सेंटर पर जो आईलिड है, जो आई बॉल जिसे कहते हैं, वहाँ पे हम लोग वाइट कलर अप्लाई किए हैं, और यहाँ पे शेडेड वाइट कलर है, एकदम प्लेन वाइट कलर नहीं है, और उसे फिंगर से टैप टैप करके लगा दिया है। और उसके बाद से जितना भी हम लोग लूज पाउडर फेस पे रखे हुए थे, ताकि आई मेकअप करते समय जो भी आई शेडो गिरे वो स्किन पे ना चिपके, इसलिए हम लोग लूज पाउडर लगा के रखे थे। फिर उसे अच्छी तरह से क्लीन कर देना है, और फिर हमें थोड़ा सा ड्राई कंटूरिंग करना है फेस पे, और ड्राई कंटूरिंग करके उसे सेट करना है, और फेस की अच्छी तरह से शेपिंग करनी है कि कहाँ कम है, फोरहेड ज़्यादा है, उसे कट कर लेना है, और हाइलाइटर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करके उसे अच्छे तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमें हमारा मेकअप बेस तैयार हो चुका। उसके बाद से फिर दोबारा हमें आई मेकअप पे जो वर्क बाकी रह जाता है उसे करना है। तो मस्कारा अप्लाई करना है। मस्कारा अप्लाई करने के बाद हम लोग काजल अप्लाई करेंगे। काजल के लिए तो आपको बता ही चुके हैं कि इन कॉर्नर में थोड़ा सा मोटा कीजिए, और आउट कॉर्नर में थोड़ा सा मोटा कीजिए, और इन कॉर्नर में थोड़ा सा पतला कीजिए, और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद उसके नीचे थोड़ा सा शेड देना है। तो शेड देने के बाद फिर हम आईलाइनर अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग लिक्विड आईलाइनर नहीं लिए हैं, और यहाँ पे हम पेन का यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही इजी रहता है, बिगनर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, ये बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है, फैलने का भी डर नहीं रहता है, तो आप पेन का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद से आईलैश को यूज़ करना है। आईलैश यूज़ करने के बाद फिर दोबारा मस्कारा यूज़ करना है, और दोबारा आईलाइनर भी यूज़ करना है।
ताकि वो अच्छे से एक साथ मर्ज हो जाए। उसके बाद से ये मेकअप लुक क्रिएट हो चुका है, आई मेकअप कंप्लीट है। तो ये आई मेकअप कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लेके हम आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।